नमस्कार, आज मैं आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट और इसकी सारी इससे जुड़ी सारी डिटेल्स भी आपको दूंगा इसके अंदर में। अभी मैं हूँ उसरी बाज़ार के लोकेशन में। ये आपको सगुना मोड़ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ये जब आप सगुना मोड़ से आरकेपुरम की तरफ बढ़ेंगे या खगौल रोड की तरफ बढ़ेंगे तो जहाँ पर क्यूरिस हॉस्पिटल है वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आरकेपुरम का एरिया आता है, वहाँ से आप डायरेक्ट इस रोड पर आ जा सकते हैं या फिर आनंद बाज़ार की तरफ से आ सकते हैं। और तीसरा रास्ता है जो कि विजय सिंह यादव पथ है, उसके तरफ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से उसरी बाज़ार का डिस्टेंस लगभग 600 मीटर पड़ता है, आनंद बाज़ार यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है और सगुना मोड़ आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ये फ्रंट में कमर्शियल टावर दे रहे हैं जो कि G+6 का है। इसके अंदर में पूरा हाइपर मार्केट आ जाएगा, कैफेटेरिया आ जाएगा, कुछ गेस्ट रूम्स आ जाएंगे। और ये एंट्रेंस का रास्ता हो गया और उधर रहेगा जो आउट का रास्ता रहेगा। ये इसके पीछे ये ए ब्लॉक है, ये टोटल 4 BA के अंदर में डेवलप हो रहा है। इसकी ए ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। 6th फ्लोर का स्लैब हो चुकी है, उसके ऊपर से भी ये पिलर का काम चल रहा है। साथ में सेम टू सेम ये आपका कमर्शियल टावर जो है उसकी भी कंस्ट्रक्शन इतनी हो चुकी है। ये कमर्शियल टावर है, इसकी लास्ट स्लैब रहेगा, इसके बाद ये कमर्शियल ऊपर नहीं रहेगा। ये पूरा जो ड्राइव वे देख रहे हैं पीरियड के चारों तरफ रहेगा ड्राइव वे। ये टोटल लगभग 20 से 22 फुट का ड्राइव वे है, साथ में इधर ग्रीन एरिया आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे और जॉगिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक आपका इसमें आ जाएगा इसके अंदर में। ये जो ड्राइव वे है ये चारों तरफ पीरियड के चारों तरफ घूमेगा। यहाँ पे टावर भी हम लोग लेके आएंगे, मेनली इस बरसात के बाद इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीछे जो टावर देख रहे हैं ये टावर सी है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और 5th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। 6th फ्लोर स्लैब की कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिल जाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, क्लब, कम्युनिटी हॉल, आपका जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर में आपको मिल जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सोसाइटी में फ्लैट लें अपना तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं। 2 BHK आपको लमसम 1150 से 1400 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है और 3 BHK लमसम आपको 1600 से 2056 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। कुछ एक इन्वेंट्री में भी आपको दिखाना चाहता हूँ, एक 2 BHK का फ्लैट्स और एक 3 BHK का फ्लैट्स आपको इसमें मैं भी दिखाता हूँ। अभी मैं टावर ए में हूँ। ये आपका लिफ्ट, 2 लिफ्ट का एरिया हो गया, एक बड़ा लिफ्ट का एरिया हो गया, एक छोटा लिफ्ट हो गया और 2 लिफ्ट आपको उस साइड में मिल जाता है और 2 लिफ्ट उस साइड में हो जाता है। ये आपका फ्लैट है, लगभग 1169 स्क्वायर फीट का साइज़ है इसका। एंट्रेंस के साथ ही ये लिविंग एरिया और साथ में डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्लाइडर यूज होगा और ये आपका बालकनी आ जाएगा, बड़ा सा बालकनी आपको इसमें मिल जाता है। ये वॉशरूम का एरिया हो गया, इसके साथ ये पहला बेडरूम, बाथरूम का स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर में और ये आपका बालकनी आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका मास्टर बेडरूम, साथ में इधर ये आपका वॉशरूम का एरिया हो गया, ये वॉशरूम हो जाता है और ये बालकनी, बड़ा सा ये बालकनी इसके अंदर भी एक बड़ा सा बालकनी। सारे रूम इसमें लग्जरियस हैं और मतलब बड़े साइज के रूम्स आपको मिल जाते हैं और हवादार रहेगा और लाइटेड रहेगा, चूँकि 2 BHK में 3 बालकनी है, 2 रूम के साथ और एक हॉल के साथ में। इसी प्रकार से 3 BHK में 4 बालकनी रहेंगे, 3 रूम के साथ और एक हॉल के साथ। ये आपका एक 3 BHK का फ्लैट है, लमसम 1700 स्क्वायर फीट का साइज है ये। ये आपका लिविंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया के साथ में ये आपका डाइनिंग एरिया आपका आ जाता है। डाइनिंग एरिया के साथ ये बालकनी आपको मिल जाता है। इस लोकेशन में आपका ये फेसिंग है, ये आपका स्विमिंग पूल इधर आ जाता है और यहाँ पे किड्स प्ले एरिया आपको मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा। ये आपका किचन का एरिया हो गया, बड़ा सा किचन आपको मिल जाता है। ये पहला रूम, इसके साथ में ये सर बालकनी आएगा, ये बालकनी का एरिया रहेगा, ये भी आ जाएगा बालकनी में। ये कॉमन वॉशरूम हो गया,
ये सेकंड बेडरूम, साथ में ये बालकनी, ये पूरा बालकनी का एरिया हो गया। एल साइज में बालकनी आपका मिलता है इसके अंदर में। ये आपका थर्ड बेडरूम और ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ आपका वॉशरूम आ जाता है और ये बालकनी का एरिया हो गया। ये 11 फ्लोर की हाइट है टावर की और इसमें सारा काम साथ में हो रहा है, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का या फिर प्लास्टर का काम, सारा काम साथ में नीचे से होते जा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारा चीज़, कुछ दिन में पेंट का भी काम शुरुआत हो जाएगा नीचे से। तो अगर आप 2 BHK या 3 BHK लेना चाहते हैं जो किराया से अप्रूव्ड हो, बैंक से फाइनेंस अवेलेबल हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।